आज से हम पर्यायवाची पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं पर्यायवाची। व्योम का पर्यायवाची क्या होगा? व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं, पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? पीयूष नहीं होगा। बाकी व्योम का अंतरिक्ष, नव, अंबर व्योम का पर्यायवाची होगा। अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। कौन सा? जलधिक, अम्बुद, ये सही नहीं है। पुरंदर, अमरपति, ये सही है। सरोवर, पुष्कर सही है। फणी, उरग सही है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, व्योम नहीं है। अनल भी पर्यायवाची है आग का, कृषाणु भी है, पावक भी है आग का पर्यायवाची। निम्नलिखित में कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? समीर नहीं है। समीर हवा का पर्यायवाची होता है, समीर नहीं है। रजनी भी रात का है, निशी भी है, विभावरी भी रात का पर्यायवाची है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, मृगेंद्र पर्यायवाची शब्द है। किस चीज़ का है मृगेंद्र? शार्दुल का, शार्दुल का पर्यायवाची मृगेंद्र है। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? विशिख बाण का। निम्नलिखित में खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? तेज। खर का मतलब गधा होता है, खर का पर्यायवाची गधा, दुष्ट, तिनका होगा, लेकिन तेज नहीं होगा। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए शार्दुल नहीं होगा। बाजी है तुरंग, घोड़े का पर्यायवाची है। टीका शब्द का पर्याय है व्याख्या। क्या है? व्याख्या। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कुलंकसा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। हंससूता, कृष्णा, आर्कजा, ये सब यमुना के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है झक। कौन सा है? झक। केतु का पर्यायवाची नहीं है, केतु का पर्यायवाची ग्रह नहीं है। केतु का झंडा, निशान, पताका होगा। तलवार का पर्यायवाची शब्द है करवाल, तलवार का करवाल। निम्नलिखित में कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, कामदेव का मार है। धनंजय का पर्याय है गुडा केस। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से एक बार शुद्ध है सिंह का क्या होगा? सिंह पंचानन, नाहर, मृगरी, ये सब सही है। पहला वर्ग क्या है? सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पसम। पत्थर का पर्यायवाची प्रस्तर, पाहन, उपल होगा। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तनुजा। यमुना का रविजा, सूर्यजा, आर्कजा होगा, तनुजा नहीं होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द का संकर का पर्यायवाची नहीं है, ससधर नहीं है। ललाटाच्छ त्रिलोचन, गंगाधर, ये शब्द संकर का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, अंबू नहीं है। अति सौरभ, रसाल, शहकार, ये पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमलाशन, कमलेश, कमलापति, कमलाकांत, ये विष्णु का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है,
हृदया नहीं है, बाकी हेम, कल धौत, भाटक, ये सब स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। कौन सा वर्ग शुद्ध है? घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये शुद्ध है। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जलाधिप, जलाधिप नहीं है। जलधि, जलनिधि, जलधाम, ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। त्रिपथगा ये नहीं है। निम्नगा, कुलंकशा, कुलवती, ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है मीनाक्षी दुर्गा, मीनाक्षी दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? तुरंग, सर्प, विषधर, अही, ये नाग का पर्यायवाची है। दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। भुसुर, भुसुर राक्षस भी है, निशाचर भी है, दानव दैत्य का पर्यायवाची होंगे। रूख का पर्यायवाची शब्द है विपट। कौन सा शब्द ब्रह्म, ब्रह्म का पर्यायवाची नहीं है? चतुर्भुज। ब्रह्म के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? चतुरानन, कमलासन, चतुर्मुख, ये सब होंगे ब्रह्म का पर्यायवाची। कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? शलभ, शिलीमुख, मिलिंद, चंचरिक, ये सब होंगे। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? गणाधिप, पुरंदर, मध्वा और शक्र, ये सब होंगे इंद्र के पर्यायवाची। हृदय गर्भ का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्म या ब्रह्मा। कौन सा दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? परिकर, अनुचर, भृतय, सेवक, ये होंगे दास के। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थी। यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी, क्या होगा? कालिंदी, यमुना का पर्यायवाची कालिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीत का पर्यायवाची है? तम। पर्यायवाची नहीं होगा, तम नहीं होगा। निशीत का रात्रि निशा रजनी होगा। एक सेकेंड, नहीं होगा, पर्यायवाची नहीं होगा, तम नहीं होगा। सर, सूर्य का पर्यायवाची कौन, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? मार्तंड। निम्नलिखित में से अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, अरविंद का पर्यायवाची नहीं है मिलिंद, मिलिंद नहीं है। पंकज, जलज, अंबुज है, यहाँ कटा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है वितुंडा, चंचला है, तड़ित, तड़ित है, दामिनी भी है। प्राची का पर्यायवाची शब्द है, प्राची शब्द का पर्यायवाची शब्द है पूर्व। तरंग शब्द का पर्यायवाची है उर्मी। जंगल शब्द का पर्यायवाची है कांतार। क्रोध का पर्यायवाची है, क्रोध का अमर्स। जीभ का पर्यायवाची है रसना। कौन सा शब्द अही का पर्यायवाची नहीं है? सिंदूर। अही का होता है उरग, पवनास, उरग, पवनास। उरस, पवनास और सरीसृप, ये सब क्या होंगे? उसके पर्यायवाची होंगे। नैसर्गिक का पर्यायवाची है प्राकृतिक, क्या होगा? नैसर्गिक का प्राकृतिक, प्राकृतिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कटी। पाणी भी होगा, कर भी होगा, हस्त भी होगा हाथ का पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? विभाकर, विभाकर नहीं है।
सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या होगा? प्रभाकर होगा, दिनकर होगा, दिनेश होगा। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है चांदनी का, यमक। चांदनी का चंद्रा, तप, जयोत्सना, कौमुदी, ये सब चांदनी का पर्यायवाची होंगे। कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? पधा। पधा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बीड़ा पाणी है, भारती, महाश्वेता, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? विष्णु का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? जलद नहीं है। पयोधि, जलधि, वारिधि, ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है रुद्र। एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दुकुल। विची, तरंग, हिलोर, ये सब तरंग के लहर के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में एक शब्द देवता का पर्याय है विबुद्ध। बागीचा का पर्यायवाची शब्द है आराम। इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची है वाजी। बिडौजा शब्द का पर्यायवाची शब्द है इंद्र का। बिडौजा पर्यायवाची शब्द है इंद्र का। मार शब्द का पर्यायवाची है अनंग का। इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है तमिश्रा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है केसरी। षष्ठपद का पर्यायवाची शब्द है भ्रमर। मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है जलोदरी। मछली का पर्यायवाची क्या क्या होगा? मत्स्य होगा, सफरी होगा, मीन होगा। अग्नि को यह नहीं कहते। क्या नहीं कहते? भानु नहीं कहते। अग्नि को क्या क्या कहते? दहन, वायु, सखा, कृषाणु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है? आदित्य। निम्नलिखित इनमें से एक बात का पर्यायवाची शब्द नहीं है उतासन। प्रकंपन, मारुति, अनिल, ये सब बात का पर्यायवाची है। कमल के पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमल के पर वशन नहीं है। कमल का क्या क्या होगा? इंद्रिवर, ताम्रस, उत्पल, ये होंगे। आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है मधुदूत नहीं है, बाकी तारापथ, अभ्र, फलक, ये होंगे। गंगा को यह नहीं कहते, हेरब नहीं कहते। विष्णुपदी कहते हैं, सूर्य धुनी कहते हैं, सूर्य शरी कहते हैं। पुत्र को यह नहीं कहते। क्या नहीं कहते? अर्पणा नहीं कहते। आत्मज कहते हैं, तनुज कहते हैं, तनय कहते हैं। रात्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है सागर, ये सागर लिखा हुआ है। यामिनी है, सरवरी, रजनी, ये सब रात्र के पर्यायवाची हैं। समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्द है पारावार। क्या है? पारावार। इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है स्प्रिहा। अमरपति, शक्र, देवेश, ये होगा इंद्र का पर्यायवाची। नदी के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है पनंग। सिंधुगामिनी होगा, तटिनी, शैलजा, ये नदी का पर्यायवाची है। तालाब के लिए पर्यायवाची है सरसरी। तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? सरसरी होगा। सर सरी
सरसी सरसी सॉरी, तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? सरसी। सोना के लिए पर्यायवाची शब्द है, सोना के लिए पर्यायवाची शब्द है, शब्द नहीं है, सॉरी शब्द नहीं है, उरोज नहीं है। हाटक होगा, जात रूप होगा, हेम होगा सोने का पर्यायवाची। मछली के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, अंबर नहीं है। मीन भी होगा, मत्स्य भी होगा, अंडव भी होगा। कपड़ा के का पर्यायवाची शब्द है अंबर। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है कपड़े का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंबर। अंबर। मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, कनक नहीं है। ध्वजी सिखी नीलकंठ है मोर का पर्यायवाची। यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, दुहांस दुहासन। भानुजा कालिंदी सूर्यसूता ये यमुना का पर्यायवाची है। अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द होगा अभ्यागत। कामदेव के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, मृगमद मृगमद नहीं है। बाकी मदन भी होगा, कुसुमा कुसुमसर भी होगा, कुसुम सर भी होगा और रतिपति है, यहाँ पर लिखा हुआ रतिपति भी होगा, कामदेव का पर्यायवाची है। भ्रमर के लिए पर्यायवाची शब्द है वृंग, भ्रमर वृंग। विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है उर्मी नहीं है। उपेंद्र होगा, चक्रपाणी होगा, शेषशायी होगा। निम्नलिखित में से पेड़ का पर्यायवाची शब्द है अम्बुद, नहीं है पर्यायवाची। पेड़ का पर्यायवाची अम्बुद नहीं है। दरखत होगा, रुख भी होगा, द्रुम भी होगा। मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अंबर नहीं होगा। पयोध होगा, वारिद होगा, अम्बुद होगा मेघ का पर्यायवाची। बहिन बहिन का पर्यायवाची, बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चित्रक नहीं है। बाकी भागिनी वाधवी सगर्भिणी ये होगा। शिक्षक का पर्यायवाची शब्द है आचार्य। सर्प निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से संबंधित नहीं है, वृंद। उरग होगा, अही होगा, पनंग भी होगा। निम्नलिखित में कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इंदिरा। शारदा भी है सरस्वती का, बागदेवी भी है, भारती भी है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लोकमाता नहीं है। अवनी है, इला है, मेदनी भी है। आँख का पर्यायवाची शब्द चश्म। जल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, भाव नहीं है। पय भी पर्यायवाची है, आभ भी है, अम्भ भी है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, अमृत द्रव नहीं है। महताब भी है चंद्रमा का, छपाकर भी है, मृग लांछन भी है चंद्रमा का पर्यायवाची। पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है, प्राणेश प्राणेश। द्विज भी है, संकुत भी है और पखेरु भी है, ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। राजा का पर्यायवाची नहीं है, राघव। हाथी का पर्यायवाची नहीं है, चमरी। निम्नलिखित में से कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं है, त्रिपथगा ये नहीं है। तटनी भी होगा, निम्ना भी होगा, तरंगिणी भी होगा। निम्नलिखित में कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है, जल्लद नहीं है। राजीव है, अंबुज है, कुवलय है, कुवलय भी है। निम्नलिखित कमल का पर्यायवाची शब्द होगा इंद्रिवर होगा, इंद्रिवर होगा, इंद्रिवर। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। स्वत्व स्वत्व स्व अत्व। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से एक मोर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चिन्हित कीजिए। किस
केकी भी मोर का है, सीखी भी है, शिखंडी भी है मोर का पर्यायवाची। इनमें से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची है? कृष्णा का पर्यायवाची है द्रौपदी, द्रौपदी। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित करें। अस्म बलिवर्दी भी बैल का है, गो भी है, वृषभ भी है। निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित करें। रमणी सुंदर का पर्यायवाची क्या क्या है? सौंदर्य का सुषमा भी है, सुंदरता भी है, शोभा भी है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तरणी तरंगिणी है, सरिता भी है, तटिनी भी है। नीचे दिए गए विकल्पों में एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित करें। भुवन भवन, निकेतन, सदन ये घर का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? अर्जुन का। निम्नलिखित में कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलद। राजीव, अंबुज, कुवलय ये कमल के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं है? त्रिपथगा, तटनी, निम्ना, तरंगड़ी ये सरिता के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पुष्कर नहीं है। मिर्ची, रश्मि, दीप्ति ये किरण के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा को यह नहीं कहते, क्या नहीं कहते? शशिधर नहीं कहते, कलाधर कहते हैं, शशधर कहते हैं, ओषधीश कहते हैं। इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अस्म घोटक, तुरंग, सैंधव ये सब घोड़े का पर्यायवाची है। इनमें कौन सा सिंह का पर्यायवाची है? पंचानन सिंह का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल का पर्यायवाची नहीं है? अर्णव वन है, विपिन भी है, दावा भी है, ये सब वन के पर्यायवाची, जंगल के पर्यायवाची है। इनमें कौन सा स्वर्ण का पर्यायवाची है? जात रूप स्वर्ण का पर्यायवाची है। हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है अनिल। निम्नलिखित में से एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अनिल। अग्नि का पर्यायवाची पावक भी होगा, वहीन भी होगा, वही भी होगा, अनल भी होगा। शशक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? खरगोश। शशक शशक का क्या होगा? खरगोश होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? द्विरद नहीं होगा। चंचरिक, द्विरेफ और सीली मुख ये सब भ्रमर के पर्यायवाची हैं। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है पादप। कमल शब्द का पर्यायवाची है तामरस। आग का पर्यायवाची है वैश्वानर। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है करवाल। चंद्रहास का आशय शब्द का पर्यायवाची है तात्पर्य। फल का पर्यायवाची शब्द है परिणाम। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है चारु। यमुना शब्द का पर्यायवाची है अर्कजा। गृह शब्द का पर्यायवाची है गृह। शशांक शब्द का पर्यायवाची है चंद्रमा। धूसर शब्द का पर्यायवाची है गर्दभ। क्या है? गर्दभ। कांच का पर्यायवाची शब्द है शीशा।
निम्नलिखित कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलद। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है अवनि। गगन, अंबर, नव ये होता है। मोर का पर्यायवाची शब्द है कलापी। कलापी निम्न में कौन सा हंस का पर्यायवाची शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा हंस का पर्यायवाची शब्द है? मराल। कौन सा है? मराल। मराल। और लंकेश का पर्यायवाची शब्द होगा कुबेर। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है सारंग। सारंग नहीं है। कौन कौन होंगे? रवि होगा, हंस भी होगा और भास्कर भी होगा सूर्य का पर्यायवाची। निम्न कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? वारिधि। वारिधि नहीं है। जलद भी होगा, नीरद भी होगा, मेघ भी होगा। तर्कश का पर्यायवाची शब्द है निशंग। निशंग है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है ललाम। ललाम नहीं है। तरुणी है, प्रमदा है, ललना है। वसंत के चार पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? कालांतर। कालांतर ये त्रुटिपूर्ण है। कुसुमाकर, ऋतुपति, मधुमास ये सब किसके हैं? वसंत के। सरस्वती के चार पर्यायवाची दिए गए, इनमें से एक गलत है। कौन सा गलत है? भामा गलत है। भारती सही है, शारदा, बागीश्वरी ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। महाश्वेता किसकी पर्यायवाची है? सरस्वती की। सरस्वती की। इस तरह हमारा पार्ट वन पर्यायवाची का ख़त्म होता है।